आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज का मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया बहुत ही अच्छे अंदाज से। तो आज बहुत ही ठंडी हवा चल रही है, तो मौसम भी बहुत अच्छा हुआ है, तो बहुत ही ठंडी हवा चल रही है। और इनका भी हम पानी दे रहे हैं कबूतरों को, ऊपर आए हुए थे। तो मेरे ख्याल से मौसम बहुत ही अच्छा है और अभी सारे ही अपने छतों पे खड़े हैं जहाँ तक मेरा अंदाज है। तो नीचे बिल्ली भी है, वो भी मुझे करने बैठ के। आए हाय धूप आ गई, धूप आ गई, धूप आ गई। देखे यहाँ पे कोई सीन चल रहा है, तो प्लस एक बिल्ली प्लस दो बिल्ली, तो एक ये बिल्ला और एक ये। पहले अभी कभी नहीं ऐसा सीन हुआ कि एक बिल्ली प्लस दो बिल्ले। तो वो बिल्ला पता नहीं क्या कर रहा है, पीछे मूछ पा के बैठा है। ये बिल्ली कितने मॉडल स्टाइल से बैठी है, पता नहीं ब्राइटनेस का ध्यान। ये पता नहीं कोई नया बिल्ला है, कोई नीली आँखों वाला, पता नहीं। ये देखें ब्लू आँखें हैं, पता नहीं कैसे देख रहे हैं। कोई नया मॉडल आया पता नहीं गुलशन इकबाल टाउन में, पहले कभी नहीं नज़र आया। पता नहीं ग्रे से कलर का है, ग्रे से कलर का है। चल निकल तो चल, दोनों निकलो तेरी चल। ओ चलेगी, चलो जी तीन ही भाग। तो अभी बहुत ही प्यारा मौसम है और इतने प्यारे मौसम में पंखा चला के इसके आगे बैठना क्या ही बात है। अंदर बहुत गर्मी है, बाहर अच्छी भली हवा चल रही है, तो बाहर बहुत ही ठंड थी, तो इसलिए आया था। ये वापस आ जाती है, ये वापस आ जाती है, देखो कितनी चलाक है। इसको मेरा कोई डर नहीं, इसके ऊपर नहीं है। जो बिल्ले हैं वो बहुत भाग जाते हैं, इसको कोई डर नहीं है। तो जब मैं इसकी तरफ देखता हूँ तब भी नहीं है भागते, पता नहीं क्यों। तो वो दोनों लोग भाग जाते हैं। इस वक्त बहुत ही मज़ा आ रहा है, आज है संडे। तो संडे तो मतलब कुछ भी नहीं करना, पहले सारे दिन पढ़ाई करते रहो और फिर कुछ भी नहीं आता, तो आज कुछ भी नहीं करना। लो जी एक और प्यारा सा शख्स आया है बिल्ली के साथ, ये पता नहीं क्या मॉडल क्या चल रहा है इनका। क्या रहे हैं सारे, कभी भाग जाते हैं कभी आ जाते हैं, कभी मैं पकाता हूँ कभी भाग जाते हैं, तो पता नहीं क्या हो रहा है। तो आज का मुझे ब्लॉग नहीं मिल रहा, क्या करना है आज। तो पिछले दिनों तो बहुत ही अच्छे मुझे टॉपिक्स मिले थे और बहुत कुछ मैंने बताया था, तो लो आज भी देखते हैं क्या बताना है। तो अभी मैं देखता हूँ, तो कल वाला अगर आपने नहीं देखा तो बहुत ही फनी था। तो अभी तक मेरा पेट बड़ा हुआ है, रात के बर्गर खाए थे, तो हम तक नाश्ता भी नहीं किया। तो फिर नीचे आए थे हम, तो बहुत ही मतलब के नीचे मतलब क्या, ऊपर से नीचे आए थे ना अभी। तो ऊपर से जब नीचे आए थे तो नीचे ज़्यादा ठंडी हवा थी, ऊपर से सिर्फ हवा चल रही थी मिट्टी कटे वाली, तो वो नहीं सही थी। तो इसलिए नीचे आए थे, आज मुझे कुछ मिल नहीं रहा। तो अभी हम जाके तो अभी हम अंदर नहीं जाएंगे। तो टॉपिक तो हमने आज करना है, तो
वीडियो का एंड तक देख लें प्लीज। तो मैंने जो बात करनी थी वो थी कि जो मेरा इर्तगुल पार्ट टू आया था वो जब अपलोड हुआ तो बहुत ही हैंग हो गया वो, उसको पता नहीं क्या बीमारी क्या पड़ गई उसको। मैंने तो इतने अच्छे तरीके से इसको अपलोड किया था, इतना मैंने इसको एडिट किया था, उसके बाद मैंने ना अपने मोबाइल में कर लिया था। तो जब वो अपलोड हुई तो पता नहीं इसको क्या बीमारी क्या पड़ गई तो वो हैंग हो गया। तो पता नहीं अब मुझे दोबारा से बनाना पड़ना है, तो शायद कल है, आज नहीं आ सकता क्योंकि आज ठंडा मौसम है तो इंजॉय कर सकते हैं हम, क्योंकि आज संडे है तो संडे को मेरा कुछ भी करने का दिल नहीं करता, तो कोई मेरा टॉपिक भी नहीं मिलता। तो वो मेरे से जो हुई है ना गलती हैंग वाली, वो पता नहीं कैसे हो गई है। वो मैंने 180 पे क्वालिटी मैंने डाली थी तो फिर भी ऐसा हो गया, पता नहीं चला, पता नहीं क्या हुआ। 180 पे क्वालिटी ऐसे हैंग हो जाए कभी भी नहीं हुआ मेरी वीडियो में। तो अभी तक मेरी 32-33 मेरी वीडियो डाल चुकी हैं, तो इनमें से कभी ऐसी नहीं हुआ कि बस मैंने एडिट की 200 की रेंज में, मैंने ना उसको क्वालिटी के रेंज में तो मैंने उसको डाला था, तो कभी ऐसा नहीं हुआ। तो बस मेरे पास अभी रेंज इतनी थी कि मेरे पास ना बाकी ना बकरे, जब बकरा जाइए तो बकरे की जो यादें होती हैं जो बकरा रखना, तो इतनी मेरी रेंज 20% बस मेरी रेंज कम हुई थी, तो मैंने 180 पर मैंने डाला था तो वो हैंग हो गया। तो अब मुझे और स्पेस लेनी पड़नी है जब मुझे क्या मेमोरी कार्ड लेना पड़ना है, तो देखते हैं। तो अगला जब आएगा पार्ट टू तो वो बहुत ही सीरियस है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होगा। तो जैसे मैं माफ़ी मांगता हूँ कि पार्ट टू हमारा हैंग हो गया था, जिसके लिए आपने इतना इंतज़ार किया, क्योंकि मैं भी इतना हैरान हो गया, क्योंकि मेरे घर में मेरे ना मेरी आपी हैं उनको सबसे ज़्यादा पसंद आया था पार्ट वन, तो उन्होंने कहा था कि पार्ट टू भी बना लो, तो वो मैंने इतने मुश्किलों के साथ बनाया। उसमें मम्मा ने डोनट भी बनाए थे, मैंने वो भी दिखाए थे। तो डोनट ये थी इसकी पिक्चर, तो डोनट बनाए थे, बिस्कुट बनाए थे, केक बनाए थे, पता नहीं क्या बात। मैं बहुत हैरान था, मैं अपने रूम के अंदर आया तो मैंने जब लगाई वीडियो टीवी पे तो मुझे बहुत ही पता नहीं अंदर से हुआ क्या मुझे, मैं बता नहीं सकता कि वो मैं क्या पता नहीं वीडियो स्टॉप हो गई या क्या हुआ क्या इसको। जब मैंने देखा तो नीचे से वीडियो तो चल रही है पर एक जगह पे रुक गई है, हैंग हो गई है आगे। तो अगर आपने देखी हो तो आगे तो वो है, आगे तकरीबन 20-30 सेकंड्स के बाद वो आगे चल पड़ती है, पर वो मैंने ना उसके अंदर मेरी स्टार्ट आई है ना, मेरी कुछ बातें आई है ना, ही डोनट्स आए हैं, तो वही तो थी। तो अस्सलाम वालेकुम के बगैर ब्लॉग कैसे स्टार्ट हो सकता है, तो बहुत ही गलती हो गई थी। तो पार्ट टू जल्दी आएगा, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं पार्ट टू ये जो पुराना है इसको डिलीट कर दूँ कि ना करूँ, कैसे ही छोड़ दूँ कि नया बनाने की कोशिश करूँ, तो हमने बताना है। और बातों के अंदर भूल ही गए कि सब्सक्राइब करना तो आप लोग भूल ही गए होंगे, तो जो नए हैं मेरे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और इस वीडियो को लाइक करें। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो मेरा तो लगता है कि मैं बातें करता रहूँगा मेरा कैमरा बंद हो जाएगा, बहुत ही शांति वाला माहौल बना हुआ है, तो क्या करूँ मैं। मुझे बहुत ही गुस्सा आया था जब मैंने वो देखी, तो बंदे को अंदर ही अंदर होता है ना कि मैंने इतनी मेहनत से वीडियो बनाई और फिर बाद में वो ऐसे वैसे होगी। तो मैंने उसको दोबारा डालने की कोशिश नहीं की, मैंने कहा अब इतनी मेहनत के बाद ये हो गया तो अब क्या होगा फिर, क्योंकि मैं 4-5 दिन से उसको कोशिश कर रहा था अपलोड करने की, वो नहीं हो रही थी, पर पता नहीं क्या हुआ तो पता नहीं क्या हुआ। तो इसको आप छोड़े दो, उसकी कोई फिक्र नहीं करनी आपने, वो नया आ जाएगा मेरी गारंटी है। और पार्ट टू जल्दी आएगा और पार्ट थ्री
किस्मत में हुआ तो आएगा, वरना तो आजकल बहुत चांस है मेरे चैनल बंद होने के। क्यों गए वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पता चलेगा, तो मैंने लिखा है तो वहाँ पर जाके देख लेना। तो अब आते हैं हम टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक आज का ये हमारे पास क्या है, आज मैं आपको ऐसी ऐप के बारे में बताऊंगा कि जिससे आप अपने सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं या व्यू बढ़ा सकते हैं। तो हाँ, तो आपने ये करना है कि आपने मुझे कमेंट डाउन बिलो करना है और कहना है कि आपने कहना है कि मैंने अपना चैनल बनाना है। आप मुझे कमेंट्स करें, ज़रूर करें, और मुझे कहें ज़रा कि हमने चैनल बनाना है, हमारे सब्सक्राइब नहीं आ रहे, हमारे व्यू नहीं आ रहे, हमारे वॉच टाइम नहीं आ रहा। तो आपका भाई सारा कुछ ठीक कर देगा आपको, तो A to Z सारा कुछ ठीक हो जाएगा, सब्सक्राइब, वॉच टाइम, व्यूज सारा कुछ आ जाएगा आपके पास। और कुछ मेरे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिनको चैनल नहीं बनाना आता, तो वो भी कमेंट डाउन बिलो करें कि मुझे चैनल नहीं बनाना आता। तो आज हम करते हैं स्टार्ट चैनल से, कि चैनल कैसे बनाना है। तो आज का टॉपिक ये है, और ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने लगा क्योंकि आजकल मेरे जो फ़ोन है ना वो ज़्यादा हो गए कुछ, तो मेरी मेमोरी भी अच्छी है, तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। क्योंकि जब पावर डायरेक्टर वाला जो सीन था वो तो बहुत ही क्रिएटिंग सीन था, तो के वो इतना सही भी नहीं था। तो अब हम चलते हैं उसकी तरफ कि चैनल कैसे बनाना है, और वीडियो को लास्ट तक देखें, लास्ट तक एंड तक जा कर देखनी हमने। तो अब चलते हैं और जाके देखते हैं। अभी कल रात को मैं गली में निकला तो मेरा दोस्त था वहाँ पे, जो एक घर है हमारे साथ ही है, तो वहाँ पे मेरा दोस्त रहता है, बहुत ही अच्छा है। तो उन्होंने मुझे रात को कहा था, वो बाइक पे आ रहे थे तो बाइक रोकी, उन्होंने कहा कि अहमद भाई चैनल बना दो, तो कहते मुझे भी चैनल बना दो। तो मैंने पता नहीं कोई जवाब दिया नहीं, क्योंकि मैं एक्सट्रीम लेना था उस वक्त, तो उस भाई के लिए ही मैंने ये ब्लॉग बनाया है। तो उसको मैं कह दूँगा चैनल पर जाके देख ले कैसे चैनल बनाना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे चैनल बनाना है। तो जी गाइस, हम अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं, और यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि आपने अपना चैनल कैसे बनाना है। तो आपने YouTube को ओपन करना है, तो यहाँ पे जब YouTube खुल जाए तो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे जो आपको ये नज़र आ रहा हो अपना लोगो पिक्चर, तो अगर आप जो जिनका चैनल नहीं होता उनके यहाँ पे कुछ SYZ कोई ऐसे लिखा होता है ना, तो यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करें। पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपका आएगा, अगर आपने पहली दफ़ा YouTube खोले तो आपका आएगा साइन इन करें, या आएगा कि अगर आपने चैनल बनाना है तो बना सकते हैं, तो आपने योर चैनल पे क्लिक करना है। तो ये देखिए जैसे कि मेरा खुल गया, तो ये देखिए मेरी सारी वीडियोस आ गई हैं यहाँ पे। कुछ लोग ये भी होता है कि चैनल खुल जाते हैं पर ऊपर होम, वीडियोस, प्लेलिस्ट, चैनल नहीं आते। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि ये कैसे आएंगे। जैसे कि यहाँ तक देख लें कि ये हमने चैनल खोला, इसको इस वाले को हम चेंज करके हम ये वाला लगा लेते हैं, जैसे कि आपके ऊपर भी आता है। तो
ये देखें, अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल नहीं है तो आपको यहाँ पे ए लिखा होगा या एल आई जो भी आपके नाम शुरू होता है वहाँ से। तो ये देखें, ये आ गया ना, तो इसके ऊपर कोई भी वीडियो नहीं है। तो मैंने यहाँ पे योर चैनल खोला तो यहाँ पे आया अहमद और असगर। तो आपने यही अपना नाम रखना चैनल का, तो आप रख सकते हैं। तो आपने क्लिक करना है योर चैनल पे तो ये खुल जाएगा। नाम अपने अपने रखना है, पहला अगर जो भी देख लो के मतलब के अहमद लगा लो और नीचे असगर, मेरा पूरा नाम पर एक नीचे लिखना है एक ऊपर। तो क्रिएट चैनल पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा चैनल बन गया है। तो अब यहाँ पे ए लिखा हुआ है नो सब्सक्राइब, तो क्रिएट अ वीडियो, आपने कहीं वीडियो डालनी है। तो ये जो आपको अहमद असगर के साथ ये जो नज़र नहीं आ रहा, इसको इसको आपने दबाना है, ये सर्च के बटन के साथ ये जो है इसको आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पे ये दो ऑप्शन आ जाएंगे, गो लाइव जो यूट्यूब पे लाइव भी हो सकते हैं ना, तो यूट्यूब पे लाइव आना चाहते हैं तो वो भी है, और ये रिकॉर्डिंग का भी है। तो और नीचे इतनी सारी वीडियोज़ आती हैं उस पर भी आप लोग क्लिक कर सकते हैं। तो मैं इसको करूँगा, तो रिकॉर्डिंग आप यहाँ से भी कर सकते हैं और रिकॉर्डिंग यहाँ से भी कर सकते हैं, और आप अपने कैमरे से भी बना के नीचे से क्लिक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम दबाएंगे तो हमारा चैनल खुल जाएगा, और आपको अपने वीडियो यहाँ पर डालनी है। तो जैसे कि ये हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम कोई सी भी डाल देते हैं, जैसे कि ये एक ले लो, ये वाली हमने ले ली। तो ऐड डिटेल्स आ जाएगी यहाँ पे, तो आपको मैं अभी बताता हूँ। तो ये देखो ये आ गई, तो यहाँ पे आपने जो वीडियो किसकी बारे में है तो आपने यहाँ पे लिखना है, जैसे कि मैं लिखता हूँ जैसे कि आज यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं कि आपने किस बारे में बनाई है। जैसे कि मेरी पिछली वीडियो आई थी बारबेक्यू पर, तो मैंने इधर लिखा था बारबेक्यू। तो अगर आपने बारबेक्यू जो किसी की बनाई है तो आप बना सकते हैं, देखिए बारबेक्यू, तो आपने ये लिखना है। और आगे आप कुछ भी लिख सकते हैं, या ये फेस भी डाल सकते हैं आप लोग ऐसे ऐसे करके, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो बस इसको आज जो टॉपिक है वो डाल के, और बाकी डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो दे दे, ना लोकेशन देनी है आपने, ना ये पब्लिक्स देनी है, ठीक है। तो आप अपलोड करते हैं तो ये देखें यहाँ पे, और ये अपलोड, तो यहाँ पे सीधा वीडियोस पे आ जाएगा ये। तो इसको थोड़ी देर लगती है, तो ये देखें ये आ गई है, तो ये अपलोड हो रही है, आपको ऊपर भी नज़र आ जाएगा। तो ये मतलब के बस हो ही गई है। तो छोटी वीडियोस जल्दी आ जाती हैं, बड़ी को तकरीबन 5-6 घंटे लग जाते हैं। तो और आपको तो अब पता ही चल गया होगा कि चैनल आप लोगों ने कैसे बनाना है, तो आपको तो अब पता ही चल गया होगा। तो ये देखें ऊपर वीडियो अपलोड हो रही है, ये अभी 11 हुई है, इसके बाद हो जाएगी। तो ये देख लें कितने अच्छे, कितना इजी है ये तरीका, तो ये बहुत ही इजी तरीका है। और अगली वीडियो बहुत ही स्पेशल होने लगी है, क्योंकि उसमें मैं आपको ये जो नीचे यू सब यू चैनल रिपोर्ट रिव्यू साइंस एंड ये जो चार ऐप हैं सबसे लास्ट पे, ये वाली जो है इनके बारे में बताऊंगा, तो आपका दिल खुशी से बाहर ही रहेगा। तो आप लोगों ने कमेंट्स किए थे कि आप कौन सी ऐप यूज़ करते हैं, तो मैं जाहिर सी बात है मैं एक पावर डायरेक्टर यूज़ करता हूँ और एक इनशॉट, तो बस यही है। तो कुछ भी यहाँ से निकाल सकते हैं, बहुत ही ईजी है, ईजी तरीको। तो आपने देखा ही होगा, तो मुझे तो खुद इतना मज़ा आया आप लोगों को बताने में, तो
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को थम्स अप लाइक जरूर ना लाइक ना किया तो मज़ा ही क्या आना है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया, अगर आपको समझ आ गई तो कमेंट डाउन ब्लॉक करना कि आपको समझ आई कि नहीं। तो मैंने तो बहुत ही अपनी तरफ से मैंने बहुत कोशिश की और मेरे से बहुत ही अच्छे तरीके से मेरा हुआ है। तो अगर आगे से आगे और मैं और तरक्की करूँगा और अच्छे से तरीके से आपको बताऊँगा, तो यह भी अच्छा तरीका था मेरा। तो बुके मैंने पहली दफ़ा ट्राई की थी क्योंकि कभी मैंने ट्राई नहीं की थी यूट्यूब ब्लॉग्स में, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग पहली दफ़ा मैं अपने ब्लॉग में लेके आया था। तो आज पहली दफ़ा तो देखते हैं अब आगे से आगे क्या होता है और पार्ट टू आपको जल्दी से मिल जाएगा। तो अब चलते हैं, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ और एक नए अंदाज के साथ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें।